अभी मुझे पता है जब से फ्री फायर और पबजी बैन हुए तब से गेमर का करियर बहुत ही ज्यादा खतरे में है। और वो किसी भी गेम की वीडियो बनाते हैं तो उन्हें वैसे व्यूज नहीं आते, और अगर यूट्यूब पर सर्च करते हैं तो उन्हें कोई भी गेम्स मिल जाते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स आपको अच्छे गेम्स के नाम पे वही गेम बताएंगे जिनकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी हो या फिर जिनकी ग्राफिक्स ज्यादा अच्छी हो। पर मैं आपको टॉप 6 ऐसे गेम्स बताने वाला हूं जिनमें अभी तो व्यूज आएंगे और साथ ही ज्यादा फ्यूचर में भी चलने वाले। और इस वीडियो के लिए सारे लोग कमेंट्स आए थे मुझे, इसलिए सभी को दिल से थैंक। और मुझे पता है मैंने प्रमोशन का कहा था लेकिन मैं सबको तो प्रमोशन नहीं दे सकता, तो इसलिए मैंने सब में से एक लकी विनर को फ्री प्रमोशन दे दिया, जिनकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया। लेकिन जो बाकी बचे हुए लोग थे उन्हें मैं प्रमोशन तो नहीं दे सकता, लेकिन उन्हें मैंने शॉर्ट आउट दे दिया। सो गाइस, नंबर 6 पे जो गेम आता है उसका नाम है एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल, जो कि आपको प्ले स्टोर पर आराम से मिल जाएगा। और अगर से आपको मेरा ओपिनियन बताऊं तो ये गेम वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग गेम में से एक है, जिसके अभी तक हो चुका है 10 मिलियन डाउनलोड। अगर से आपको कम लग रहा है तो मैं आपको बता दूं, ये गेम को रिलीज हुए अभी 5 मंथ ही हुए, मतलब 5 महीनों में इसके 10 मिलियन डाउनलोड हो चुके हैं। और ये कंफर्म नहीं है कि इसके 10 मिलियन से डाउनलोड है, इसके जो डाउनलोड है वो 10 मिलियन से लेकर 50 मिलियन के बीच में है। अभी 40 मिलियन भी हो सकते हैं, 30 मिलियन भी हो सकते हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अभी हाल ही में एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल के यूट्यूबर्स को मुंबई में बुलाया गया था, और ऐसा नहीं है कि बिग यूट्यूबर्स को बुलाया गया था, मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स के सब्सक्राइबर थे वो तो 100 से भी कम थे। और बात रही अगर से गेम के बारे में, तो ये गेम भी बैटल रॉयल गेम है जो कि आपको प्ले स्टोर पर आराम से मिल जाएगा। और अगर से बात रही ग्राफिक्स की तो आपको बैकग्राउंड में दिख रही है जो कि बहुत ही ज्यादा गजब है। पर अभी एक क्वेश्चन आता है कि हमें गेम खेलना तो आता है नहीं, तो हम वीडियो कैसे बनाएं? तो मैं उन्हें बता दूं, अभी गेम किसी भी खेलने नहीं आता है, मतलब बहुत इजी गेम है और ज्यादा कुछ बंदों ने खेला भी नहीं, मतलब कोई भी इसमें प्रो है नहीं, अभी के टाइम पे तो सब इसमें नूबी है। अगर से आप फ्री फायर खेलते हो तो आपको पता होगा फ्री फायर में 2017-18 तक बहुत ही ज्यादा नूब भरे पड़े थे, वैसे इसकी भी अभी स्टार्टिंग है इसलिए इसमें बहुत ही ज्यादा नूब भरे पड़े। इसलिए अगर आप अभी के टाइम पे गेम खेलना स्टार्ट कर दोगे तो जब तक ये गेम ग्रो होगा तब तक आप भी प्रो बन जाओगे। अब इसके बाद नंबर 5 पे जो गेम आता है वो क्लैश ऑफ क्लैंस, जिसको प्ले स्टोर पे 4.5 की रेटिंग मिली हुई है, विद ओवर 500 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर। वैसे आई डोंट थिंक कि मुझे इस गेम के बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है, क्योंकि इस गेम को पहले से मोस्ट ऑफ द बंदों ने पहले से खेल रखे होंगे। और ये गेम पबजी फ्री फायर की तरह नहीं है, इनकी पॉपुलरिटी कुछ साल रही बाद में चले गई। ये गेम रिलीज हुआ था आज कुछ 9 साल पहले, ये गेम रिलीज हुआ था 2013 में, और इसकी पॉपुलरिटी पहले जितनी थी आज भी उतनी है। कई गेम्स का क्या सीन होता है, वो स्टार्टिंग में मचाते या फिर एंड में मचाते हैं, पर ये तो स्टार्टिंग से ही मचा रहा है। और आई डोंट थिंक ये गेम कभी फ्यूचर में एंड होने वाला है, बिकॉज इसकी ऑडियंस इससे बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड है। और इसके बाद जो नंबर 4 पे गेम आता है वो कोई एक गेम नहीं है, वो बहुत ही सारे गेम्स है, जो कि क्लासिकल गेम। अभी से वो सारे गेम्स आ जाते हैं, इनकी क्वालिटी जो है वो मीडियम रहती है, पर वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव रहती है। अभी मैंने ऐसा क्यों कहा हूं कि क्वालिटी ज्यादा हाई नहीं होनी चाहिए, रीजन इज किड्स ऑडियंस। अभी किड्स से मेरा मतलब वो बच्चे इनकी जो एज है वो 10 साल से अंदर आ, क्योंकि इन्हें ग्राफिक्स से क्वालिटी से ज्यादा कुछ लेना देना होता नहीं है, वो बस इतना चाहते हैं गेम समझ में आ जाए कि हो क्या रहा है। और जिस दिन आपने इन सारे बच्चों को अट्रैक्ट कर लिया तो उस दिन आपके हर एक वीडियो पे मिलियंस व्यूज आने वाले। और इसके बाद नंबर 3 पे जो गेम आता है वो तो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम में से एक गेम है। नाउ आई एम श्योर इस गेम के बारे में 99% बनते तो जानते होंगे, इसका नाम है माइनक्राफ्ट। अभी इस गेम का जो कॉन्सेप्ट है ना मुझे बहुत ही ज्यादा यूनिक लगता है। इसमें आपको कुछ ब्रिक्स दिए जाते हैं जिससे आपको आपका शहर, आपका घर, आप जो भी बनाना चाहते हो आप बना सकते हो। और खास बात यह है कि अभी के टाइम पे यूट्यूब पे सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग जो गेम चल रहा है वो और कोई नहीं वो यही है। हालांकि आपको प्ले स्टोर पे पैसों से मिलने वाला है, लेकिन आप कहीं और से भी डाउनलोड कर सकते हो, आपको फ्री में भी मिल जाएगा। हालांकि प्ले स्टोर पे इसके डाउनलोड बहुत ही ज्यादा कम है, जो कि सिर्फ 10 मिलियन है, लेकिन इसका रीजन है क्योंकि फ्री गेम नहीं है। बाकी सब जितने भी मैंने आपको गेम बताया वो सारे के सारे फ्री है, लेकिन इसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, जो कि 650 रुपीज। नहीं नहीं, आपको टेंशन नहीं लेना है, अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आप एक गेम को गूगल क्रोम में से फ्री में भी ले सकते हो। और मैंने आपको जिसको 10 मिलियन डाउनलोड्स का वो बिल्कुल ही फेक है, वो ज्यादातर बंदों ने से कई और से डाउनलोड की है। और गाइस, नंबर 2 पे जो गेम आता है ना वो कोई एक गेम नहीं है, वो पूरी गेम की सीरीज है, पर इतना ज्यादा जबरदस्त गेम है वो पर उस पर कोई भी वीडियो नहीं बनाता है, जो कि है GTA। नहीं नहीं, मैं यहाँ GTA 5 की बात नहीं कर रहा हूँ, जो GTA के मोबाइल वर्जन है ना मैं उनकी बात कर रहा हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल GTA चाइनाटाउन वॉर, GTA 3, GTA Vice City, GTA सन एंड्रियास, कई सारे ऐसे गेम्स है जो कि GTA के है लेकिन मोबाइल वर्जन में भी है। और आपको पता होगा कि टेक्नो गेमर की जो GTA 5 की सीरीज है उसमें कितने ज्यादा व्यूज आते हैं, मतलब 15-10 मिलियन तो आ ही जाते हैं। और GTA 5 की सीरीज तो हर कोई बनाता है, लेकिन GTA Vice City की सीरीज है बहुत ही कम यूट्यूबर बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें व्यूज नहीं आते, इस पर भी बहुत तगड़े व्यूज आते हैं, लेकिन यूट्यूबर इसके बारे में वीडियो बनाते ही नहीं। और माइनक्राफ्ट की तरह भी सारे के सारे जो गेम्स हैं सारे के सारे पेड है, लेकिन आपको गूगल क्रोम पे आराम से फ्री में मिल जाएंगे। तो गाइस, नंबर 1 पे जो गेम आता है उसका नाम सुनने से पहले वीडियो को लाइक कर देना। तो गाइस, वो गेम कोई अकेला गेम नहीं है, बहुत सारे गेम्स है प्ले स्टोर पे, जितने भी पॉपुलर गेम्स है मैं यहाँ उनकी बात कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी एक गेम से ग्रो होते हो तो आपका चाहे स्टार्टिंग में तो ग्रो हो जाएगा, लेकिन लास्ट में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अभी 100% चांसेस तो नहीं है, लेकिन 90% टाइम ऐसे होता है, इसलिए ऐसे में आप एक नई, दो नई, तीन नई, चार नई, आप ईच एंड एवरी गेम ट्राई करो, क्योंकि ऐसा कोई भी गेम नहीं है जो कि 100% गारंटी देता है कि वो फ्यूचर में भी चलेगा। देखिए, आज से कुछ 5 साल पहले पबजी राज करा करता था, उसके बाद 2 या 3 साल पहले फ्री फायर राज करा करता था, लेकिन अभी के टाइम पे जो है वो माइनक्राफ्ट राज करता है। अभी हम ऐसा नहीं कह सकते कि आगे भी माइनक्राफ्ट ही राज करने वाला है, जो एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल है वो इसे बीट कभी भी कर सकता है। और जो गेमर वर्ड है इसका मतलब भी वही है, वो इंसान जो कि ईच एंड एवरी गेम खेलता है। तो चलेगा, इस वीडियो को यहाँ पर ही खत्म करते हैं। वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।